तो दोस्तों यहां पर कर लिया मैंने अपने WhatsApp को ओपन। WhatsApp को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा एक अमित नेम का कॉन्टेक्ट, ठीक है। अगर भाई मुझे इस अमित वाले कॉन्टेक्ट को यहां पर हाइड करना है, हाइड से मेरा मतलब यह है कि भाई मैं इस अमित वाले कॉन्टेक्ट को यहीं पर WhatsApp में ऐसी जगह आपको छुपा दूंगा कि भाई कोई भी मेरे WhatsApp को यूज करता रहेगा भाई ना उसको अमित नाम का कॉन्टेक्ट दिखेगा ना इसकी चैट दिखेगी। वो यहां पर सर्च बार में सर्च भी करेगा अमित नंबर से, मेरे नाम से या मेरे नंबर से, फिर भी मैं यहां पर सर्च नहीं हूं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो भाई आप सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप अपनी WhatsApp कॉन्टेक्ट को कैसे छुपा सकते हो। एक कॉन्टेक्ट को छुपाना है तो एक को, दो को छुपाना है तो दो को, तीन को छुपाना है तो तीन को, आपको जितने सारे कॉन्टेक्ट छुपाने हैं वो कॉन्टेक्ट आप अपने WhatsApp सेटिंग के अंदर छुपा सकते हो। इसमें आपको ना कोई अलग से ऐप को डाउनलोड करना है ना आपको ज्यादा कुछ सेटिंग करनी है। WhatsApp में भाई आपकी हजारों सेटिंग होती है, बस आपको यूज करना उसको आना चाहिए। अगर आप उसको यूज करना जान गए तो भाई आप WhatsApp पर कुछ भी कर सकते हैं। भाई मान लीजिए आप, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, आप अपने GF से चैट करते हो या किसी से भी, आप चाहते हो भाई कि मेरे दोस्त मेरा मोबाइल चलाते हैं उनको पता ना चले, या मेरे फैमिली मेंबर में कोई मेरे मोबाइल को यूज करते हैं उनको पता ना चले कि भाई मैं इस कॉन्टेक्ट से चैट करता हूं, ये कॉन्टेक्ट मेरे मोबाइल में सेव है भी कि नहीं, भाई मैं आपको बता दूं कि इस अमित वाला कॉन्टेक्ट मैं हाइड करूंगा, कोई भी मेरे WhatsApp पर ना इसकी चैट ना इस कॉन्टेक्ट को देख पाएगा ना भैया कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको WhatsApp को अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर से। क्या हुआ है भाई, अभी 2023 में न्यू वर्जन आया है, उसी की मदद से भाई आप इस वाले चैट को यहाँ पर हाइड कर पाओगे। WhatsApp को अपडेट करने के बाद WhatsApp को आपको ओपन करना है। जैसे WhatsApp को ओपन करोगे तो जिस भी कॉन्टेक्ट को आपको हाइड करना है आपको क्या करना है, उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, थोड़ा सा आपको उस पर दबाए रखना है, ठीक है। जैसे आप उसको दबाए रखेंगे तो आपके सामने ऊपर आपको चार पांच ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा 3 डॉट, उसके बाद में आपको मिलेगा एक नीचे एरो का आइकन। तो आपको क्या करना है, ध्यान से आपको सिंपली इस एरो वाले आइकन पर टैप करना है। जैसे भाई आप इस पर टैप करोगे तो आप ऊपर देख सकते हैं गाइस, जो अमित वाला कॉन्टेक्ट था वो यहाँ पर पूरी तरफ से गायब हो चुका है। भाई आप सर्च भी करोगे यहाँ पर सर्च बार पर अमित नेम से तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना भाई आपको कुछ भी दिखाई देगा, पूरा WhatsApp आपका कोई भी चलाता रहेगा, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई इस WhatsApp में अमित नाम का भी कोई कॉन्टेक्ट है। अब भाई जब भी आपको उसको चैटिंग करनी है तो यहाँ पर अचीव वर्ड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है अचीव, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है, यहाँ पर आपको वो कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, बाकी किसी को भी आपके पूरे WhatsApp में वो कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं गाइस जो भी मैंने आपको आसान ट्रिक बताई वो आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, बिना आपको यहाँ से नहीं जाना है।